तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे माइनक्राफ्ट के टॉप 10 मिथ और देखेंगे गाइस वो वर्क करते या नहीं करते, ठीक है। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस इस वीडियो का जो लाइक है मैं वो है गाइस ओनली 250 लाइक्स। आशा करता हूँ गाइस कंप्लीट करवा दोगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। शाउट आउट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शाउट आउट सबसे पहले जो जाता है वो जाता है गाइस ग्रैंजर प्लेस को गाइस, सेकंड जाता है पपी को गाइस, थर्ड जाता है वंदना शिंदे को गाइस, फोर्थ जाता है एएसएम समर्थ को गाइस, फिफ्थ जाता है फोकस गेमिंग वाईटी को। अगर गाइस आपको भी ऐसा शाउट आउट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गाइस आपको कमेंट कर देना है, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। मिथ नंबर 1। तो गाइस जो मिथ है वो है यू कैन यूज एक्सोलोटल वाटर बकेट एज फ्यूल। अच्छा तो देखते हैं गाइस इसको। तो हमारे पास एक्सोलोटल जो बकेट है वो है, ठीक है। और गाइस इसको हम फर्नेस में रखते हैं और देखते हैं गाइस ये वर्क करता नहीं करता। लेकिन गाइस मैं इसको रख ही नहीं पा रहा, मैं इसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं रख पा रहा, तो ये मिथ होता है वस्टेड। बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 2। देखते हैं गाइस ये कौन सा मिथ है। मिथ है यू गो टू ब्लेज एंड रेड द ब्लेज, ब्रेक ऑल द बैड इन द ब्लेज, देन शी प्लेजर विल डांस। तो देखते हैं गाइस ये रहा प्लेजर का बॉस, पहले इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और गाइस इससे कहता हूँ मेरे ब्लेज पे रेड करे, ठीक है। तो जल्दी से इसको मार देते हैं और गाइस हमारे ऊपर हो चुकी है अब रेड, ठीक है। तो ब्लेज की तरफ पहुँचते हैं और सारे बैड मैं तोड़ता हूँ जल्दी से जल्दी। और गाइस फिर देखते हैं प्लेजर्स जो है वो डांस करते नहीं करते, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गाइस नहीं करेंगे। और गाइस इसको मैं पॉकेट एडिशन में ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं गाइस कोई प्लेजर डांस कर रहा है नहीं कर रहा। मैं तो देख रहा हूँ गाइस ये तो क्या कर रहा है जाने, और ये क्या कर रहा है भाई, और भाई ये भी क्या कर रहा है। तो बस गाइस डोल रहे हैं इधर से उधर, कोई डांस नहीं कर रहा है। ये देखो इधर ये रहा एक नमूना, इसको दिखाता हूँ रुको वीर को, हाँ ये खत्म। तो गाइस ये मिथ होता है बस्टेड। तो बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 3। तो देखते हैं गाइस ये कैसा मिथ है। मिथ है आयरन गोलेम क्रीपर को नहीं मारेगा पर स्नो गोलेम क्रीपर को स्नो बॉल से मारेगा। तो देखते हैं गाइस ये रहा आयरन गोलेम और ये कुछ नहीं कह रहा क्रीपर को, चलो स्नो गोलेम बनाते हैं। और ये क्या हो गया यार, और एक और बनाते हैं स्नो गोलेम। तो देखते हैं गाइस अरे यार ये तो इसको डैमेज दे रहा है, और बनाते हैं स्नो गोलेम बहुत सारे। तो गाइस ये मिथ होता है कंफर्म। तो बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 4। तो देखते हैं गाइस ये कैसा मिथ है। मिथ है फाइंड फार्मर ब्लेजर विद हिज फार्म ड्रॉप सीड्स ऑन फार्म, फार्मर ब्लेजर सीड को उठाकर फार्म में लगा देगा। तो देखते हैं गाइस हम आ चुके हैं ब्लेज में, देख सकते हो ये फार्मर है ऊपर खड़ा है, देखो इधर ऊपर ये नज़ारे ले रहा है। चलो दिखाते हैं इसको सीड्स, देखो मेरे पास बहुत सारे सीड्स हैं और मैं इसको ड्रॉप भी कर दिया हूँ। तो देखते हैं आता है नहीं आता, रुको इसको ऊपर से धक्का मारना पड़ेगा तभी ये नीचे आएगा, वरना ये नहीं आएगा नीचे। रुको इसको एक धक्का देता हूँ जोर का सा, और फिर चलते हैं गाइस नीचे और इसको देखते हैं गाइस ये सारे सीड्स को अपने फार्म में लगाता ही नहीं लगाता। चलो और सीड मैं इसको दे देता हूँ, मैंने 64 सीड और दे दिए। और गाइस देखते हैं, अरे गाइस ये तो लगा रहा है एक एक सीड को लगा रहा है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है सर्वाइवल में, है ना, इससे हम काम करवा सकते हैं ब्लेजर से, ठीक है। तो गाइस ये मिथ होता है 100% कन्फर्म। तो देखते हैं गाइस अपना नेक्स्ट मिथ। तो बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 5। मिथ है गाइस टेक कोल्ड्रॉन एंड हॉपर एंड चेस्ट, कोल्ड्रॉन के नीचे हॉपर एंड हॉपर के नीचे चेस्ट, देन अगर आप कोई सामान थ्रो करोगे कोल्ड्रॉन में से वो चेस्ट में चला जाएगा। तो देखते हैं गाइस ये रख अपनी चेस्ट, इसके ऊपर रखते हैं गाइस हम हॉपर, दो हॉपर इधर मैं प्लेस कर देता हूँ ऊपर। गाइस मैं दो कोल्ड्रॉन प्लेस कर देता हूँ, और ये ब्लेजर क्यों देख रहा है मेरे को, नज़र मत लगाए मेरी वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं गाइस इसमें मैं बहुत सारे सामान ड्रॉप कर रहा हूँ, और गाइस देखते हैं हमारा जो सब सामान चेस्ट में आ रहा है गाइस ये चेस्ट में आ रहा है। और गाइस और थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं बहुत सारा सामान इधर फेंक रहा हूँ। अरे भाग जा ब्लेजर, पहले वीडियो बना लेते हैं फिर देर से बात करूँगा आके। अरे गाइस हाँ ये सब कुछ आ रहा है हमारे में, सारी चीज़ हमारी चेस्ट में स्टोर हो रही है गाइस, ये तो बहुत बढ़िया मिथ होता है कन्फर्म। फिर तो अगले मिथ की तरफ बढ़ लेते हैं, मिथ नंबर 6। देखते हैं गाइस ये क्या कहता है मिथ। मिथ है यू कैन इग्नाइट TNT विद फायर एस्पेक्ट 2 बुक। अच्छा किताब से भी आग लगा सकते हैं क्या TNT में? तो देखते हैं गाइस TNT एरा और आग लगाता हूँ मैं इसमें फायर रिस्पेक्ट वाली बुक से। और गाइस ये तो सही में यार इग्नाइट हो गया यार। तो गाइस ये मिथ भी 100% वर्क कर रहा है, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस ये मिथ भी होता है 100% कन्फर्म, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ, मिथ नंबर 7। तो गाइस मिथ क्या है, यू कैन रिमूव कोबवेब्स यूजिंग लावा बकेट्स। अच्छा जो मकड़ी के जाले होते हैं इनको हम लावा बकेट से रिमूव कर सकते हैं, चलो देखते हैं। लावा बकेट में ऊपर से प्लेस करता हूँ और देख और इसको नीचे जाने देता हूँ लावा को थोड़ी देर के लिए, और फिर इधर गाइस मैं ब्लॉक रख दूंगा, लावा बंद कर दूंगा। देखते हैं गाइस ये रिमूव होते नहीं होते। और गाइस देखते हैं गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं, और गाइस ये तो रिमूव हो गए। तो गाइस ये मिथ होता है 100% कन्फर्म। तो देखते हैं गाइस अपना नेक्स्ट मिथ कौन सा है, बहुत बढ़िया बढ़िया मिथ आ रहे हैं, मिथ नंबर 8। ठीक है, तो मिथ है स्पॉन ब्लेज इन कोल्ड्रॉन विद लावा एंड ब्लेज विल गिव डैमेज। अच्छा
लावा में तो वो रहता ही है ना ब्लेस, तो देखते हैं कोल्ड ड्रोन क्या इसको झटके देता है। अरे हाँ यार, ये तो इसको डैमेज दे रहा है और मर भी गया बेचारा ब्लेज। एक और देखते हैं गाइज, देखते हैं एक और स्पॉन करके। अरे हाँ यार, ये तो डैमेज दे रहा है। तो गाइज ये मिथ होता है 100% कन्फर्म। तो बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ, मिथ नंबर 9। तो देखते हैं गाइज ये क्या कहता है मिथ। हम रेड रोज पर शार्पनेस 5 लगा सकते हैं। अच्छा, हम रेड रोज पर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास 3 तरह के रोज इधर हैं, एक तो पप्पी है और कौन सा है, ये तीनों में गए, तीनों में मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये पॉपी है, सॉरी पप्पी नहीं है, पॉपी है। एक रेड ट्यूलिप है, ठीक है, इसको भी हम ट्राई कर रहे हैं। और गाइस एक लास्ट एंड फाइनल है, ये कौन सा है अपना, ये है अपना गाइस रोज वुश, ठीक है। और गाइस इन तीनों में मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ शार्पनेस 5, निकल नहीं लग पा रही है। तो गाइस ये मिथ होता है बस्टेड। तो बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ, मिथ नंबर 10 और लास्ट गाइस मिथ है, यू कैन इग्नाइट अ क्रीपर बाय फायर चार्ज, आल्सो वर्क इन क्रिएटिव। तो देखते हैं गाइस ये रहा क्रीपर, और मैं फायर चार्ज से गाइस बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाइस ये नहीं हो रहा इग्नाइट, ठीक है। और गाइस ये ब्लास्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं इसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, सर्वाइवल में हूँ ना मैं। और गाइस मैं इसको क्रिएटिव में भी ट्राई करके देखता हूँ, क्रिएटिव में भी गाइस ये वर्क कर पाता है नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएटिव में जाते हैं और गाइस अब देखते हैं। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा इग्नाइट। तो गाइस ये मिथ भी होता है 100% बस्टेड। तो गाइस आज के मिथ बहुत बढ़िया लगे, आपने बहुत अच्छे अच्छे मिथ्स कमेंट्स करे। और गाइस अगर आप चाहते हो मैं आपके मिथ भी अपनी वीडियो में ट्राई करूँ, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस गाइस आपको कमेंट्स कर देना है अच्छे अच्छे मिथ, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके मिथ को जरूर से ट्राई करूँगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक है वो है गाइस ओनली 250 लाइक्स। आशा करता हूँ गाइस आप कंप्लीट करवा दोगे। और गाइस जो नेक्स्ट टारगेट है वो 50K सब्सक्राइबर्स का, मुझे पता है गाइस आप धीरे धीरे से कंप्लीट करवा दोगे, ठीक है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय गाइस।